नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और 4 बजे के एक्शन पैक्ड बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ, और खबर यह है कि डायरेक्टर अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस तापसी पन्नू, विकास बहल और मधु मंटेना के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। जी हाँ, छापा मारा है। मधु मंटेना के टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के दफ्तर पर भी आयकर अधिकारी पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी फैंटम फिल्म की टैक्स चोरी के सिलसिले में की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बॉलीवुड की कई हस्तियों के घर और दफ्तर पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। जी हाँ, तो आपको एक बार फिर से बता दें कि डायरेक्टर अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस तापसी पन्नू, विकास बहेड़ और मधु मंटेना के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये छापेमारी फैंटम फिल्म की टैक्स चोरी के सिलसिले में की जा रही है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर, और कई ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है, घरों में, दफ्तर पे, अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। और मधु मंटेना की जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है उसके दफ्तर पर भी आयकर अधिकारी पहुंच चुके हैं। और इस खबर पर हम आपको और डिटेल जानकारी देंगे कि आखिर अब तक की तफ्तीश में क्या मिला है और इस छापेमारी में अब तक क्या क्या बात सामने आई है, क्या चल रहा है और रिएक्शन क्या है अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, विकास बहल, इन लोगों के रिएक्शन क्या है इस छापेमारी पर, ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, तफ्तीश में बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि छापेमारी हुई है और ये कहा जा रहा है कि फैंटम फिल्म में टैक्स की चोरी हुई है और उसी सिलसिले में ये छापेमारी हुई है। तो एक बड़ी खबर बॉलीवुड को लेकर के है, और बॉलीवुड के कई सितारे इनकम टैक्स के घेरे में हैं, शिकंजा कसता जा रहा है, घरों पर, दफ्तरों पर ये छापेमारी हुई है। हमारे रिपोर्टर लगातार इसको ट्रैक कर रहे हैं और जैसे ही हम तक और भी अपडेट जानकारी आएगी हम आप तक पूरी जानकारी पहुंचाएंगे। तत्काल यही खबर है कि ये छापेमारी हुई है, चल रही है, और बड़ी बात यह है कि फैंटम फिल्म की टैक्स चोरी के सिलसिले में अब तक जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये कि फैंटम फिल्म की टैक्स चोरी के सिलसिले में ये छापेमारी की जा रही है। चलिए, तो इस खबर पर हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे, जो भी जानकारी हम तक आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।